हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माँ का प्यार स्वादानुसार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इफ्तार की एक और बहुत ही यम्मी सी चटपटी रेसिपी, कीमा आलू पेटिस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके लिए हैं और उसे मैं अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इसमें कोई भी गुठली ना रहे। उसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डालें, ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच और चॉप किया हुआ हरा धनिया 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर हम इसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें इतने अच्छे से इसे मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ जाए और हमारा बिल्कुल एक चिकना स्मूथ सा जो है तो आलू का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आलू आपका चिपचिपा है तो आप इसमें 1 या 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और ऐड करें और बिल्कुल स्मूथ चिकना सा एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हम एक पैन में 150 ग्राम बोनलेस चिकन लिए हैं, जैसे बिल्कुल मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और उसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ डालेंगे, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप किया हुआ डालेंगे, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच और मोटी वाली जो हरी और लाल मिर्च होती है खुशबू के लिए मैंने इसे थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, और वो मटर 1/4 कप हम इसमें डालेंगे और तेल 2 बड़े चम्मच डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब यहाँ पे चिकन का कलर चेंज होने लगेगा तो फिर हम इसमें नमक डालेंगे और 1/2 कप पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसे कवर करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। चिकन का कीमा है तो ये बहुत जल्दी से पक जाएगा, तो हमें इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और उसमें चुटकी भर हल्दी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच हम इसमें तले हुए प्याज डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, और उसके बाद इन सब चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भून लेंगे और बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद चॉप किया हुआ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च 2-2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल स्पाइसी सी चटपटी स्टफिंग तैयार है। अब हम आलू का मिक्सचर लेंगे, टेनिस बॉल के साइज़ का लें, हाथों को अच्छी तरह से तेल से ग्रीस करेंगे और उसे अपनी हथेली पर खूब अच्छी तरह से फैला लें बिल्कुल पतला सा, और उसके बाद इसमें स्टफिंग डालेंगे, 1 या 2 चम्मच इसमें स्टफिंग डालें और उसे फिर हम अच्छी तरह से सील करेंगे, अच्छी तरह से पैक करें, वरना मटर है इसमें तो कभी कभी वो तेल में जाने पे फट जाता है। तो इसे खूब अच्छी तरह से हम पैक करेंगे और पैटिस का जो है तो शेप दे देंगे। इस तरह से हम अपनी सारी पैटिस बनाकर और तैयार कर लेते हैं। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, इसे पतला नहीं करिएगा वरना खाने में मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे 4 बड़े चम्मच मैदा लिए, उसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, चुटकी भर काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और पानी से एक अच्छा सा थिक सा घोल बना लेंगे। स्लरी हम यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिए हैं और उसके बाद हम अपने पैटिस को इसमें डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में हम इसे कोट कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसे कोट करना है और इस तरह से हम अपने इसको शेप देकर और सारे पैटिस जो है तो हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे सारी पैटिस रेडी है। आप इसे फ्रीज़ नहीं करिए, इसलिए क्योंकि ये आलू का है तो ये फ्रीज़र में जाने के बाद आलू अपना पानी छोड़ेगा और जब इसे आप फिर फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत चिपचिपा हो जाएगा और तेल में फट भी सकता है, इसलिए आप इसे फ्रीज़ ना करें, बनाएं और तुरंत ही इसे इंजॉय करें। और उसके बाद हम इसे गरम तेल में डीप फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छी तरह से क्रिस्पी करारी हमारी पैटिस यहाँ पर बनकर तैयार है। और उसके बाद हम इसे स्ट्रेनर में जो है तो निकाल लेंगे और यहाँ पे देखिए हम इसे बीच से कट करके दिखला रहे हैं, कितना अच्छा हमारा पैटिस बनकर तैयार है। क्रिस्पी यम्मी चटपटी सी हमारी पैटिस तैयार है। इसे इमली की चटनी के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।